बच्चों, आज हम तुमसे सबसे पहले एक पहेली पूछेंगे और तब कोई और बात करेंगे। इतना तुम्हें पहले से बता दें कि पहेली एक पेड़ की है। तुम्हें ध्यान से पहेली सुनकर उस पेड़ का नाम बताना है। समझ गए ना मेरी बात? तो लो, अब सुनो पहेली। कांटे लंबे और नुकीले, पत्ता छोटा होता है। इन पेड़ों से गोंद जो निकले बड़े मजे का होता है। इनको मत तुम ढूंढो जाकर पत्थर में या रेतों में। इनके पेड़ बहुत मिलते हैं ऊसर में और खेतों में, ऊसर में और खेतों में। नहीं समझे क्यों? अच्छा लो फिर सुनो। कांटे लंबे और नुकीले, पत्ता छोटा होता है। इन पेड़ों से गोंद जो निकले बड़े मजे का होता है। इनको मत तुम ढूंढो जाकर पत्थर में या रेतों में। इनके पेड़ बहुत मिलते हैं ऊसर में और खेतों में। अब बताओ बच्चों, ये किसका पेड़ है? हाँ हाँ, सोच कर बताओ। इस पेड़ को कहते हैं बबूल। बच्चों, बबूल का पेड़ तो तुमने देखा ही होगा। अब ये बताओ, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं या बड़ी? ठीक, छोटी होती हैं। इस पेड़ में कांटे होते हैं या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, कांटे होते हैं। बबूल के कांटे लंबे और नुकीले होते हैं। देखना, बचना कहीं हाथ में ना चुभ जाए। बबूल के पेड़ से गोंद भी निकलता है। अच्छा बताओ, किस पेड़ से गोंद निकलता है? बबूल से। गोंद तुम में से किसी ने खाया है? हाँ हाँ, जरूर खाया होगा। अच्छा अब ये बताओ कि बबूल के पेड़ से कभी कोई घोंसला लटकता हुआ देखा है? जरूर देखा होगा, ये घोंसला बया का होता है। चलो हम तुम्हें बताते हैं इस पेड़ की पहचान। बबूल का पेड़ न बहुत बड़ा होता है और न बहुत छोटा। बबूल का फूल पीले रंग का होता है। इस पेड़ पर लंबी लंबी फलियां लगती हैं। फलियों को बकरियां खाती हैं। फलियों में छोटे छोटे काले काले बीज भी होते हैं। बकरी फली खाकर बीज को उगल देती है। बच्चों, अभी तुम्हें हमने बबूल के बारे में बहुत सी बातें बताई। आओ यही सब बातें बबूल के इस गीत में सुने। मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल। मेरे पत्ते बहुत हैं छोटे, मेरे पत्ते बहुत हैं छोटे। नहीं हैं लंबे, नहीं हैं मोटे। हर हर डाली पर हैं पत्ते, पत्ते जैसे भिड़ के छत्ते। मेरे पीले पीले फूल। मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल। मेरा बड़ा नुकीला कांटा, चढ़े जो उसको मारे चाटा। जिसको भी ये गड़ जाता है उसे बुखार चढ़ जाता है। मेरे नीचे उड़ती धूल। मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल। मुझसे गोंद निकलता सारा, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा।
मेरे गोंद से बने दवाई, जिसे जरूरत खाए भाई। मुझको मत तुम जाना भूल, मुझको मत तुम जाना भूल, मैं हूँ बबूल, मैं हूँ बबूल भाई, मैं हूँ बबूल, 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 मैं हूँ बबूल। बबूल के इस गीत के बाद अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं एक दूसरे पेड़ के बारे में, पर बबूल को मत जाना भूल। समझे ना? ऐसा ना हो कि हम बरगद के पेड़ के बारे में बताने लगे और तुम बबूल को भूल जाओ। लो बच्चों, ये तो हमने तुम्हें बता ही दिया, अब हम जिस पेड़ की बात करेंगे ये है बरगद, जिसको सुनकर मन हो गदगद। बरगद बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसका तना बहुत मोटा होता है, बरगद की डालियां लंबी लंबी होती हैं और पत्ते गोल गोल होते हैं, इसका फल लाल होता है। अच्छा अब बताओ, बरगद का तना मोटा होता है या पतला? हाँ, मोटा होता है। बरगद की डालियां लंबी होती हैं या छोटी? हाँ, लंबी। अच्छा बरगद का फल किस रंग का होता है? हाँ, लाल रंग का। बरगद की डालियों में से जड़ें निकलती हैं, इनको जटा भी कहते हैं। ये जड़ें डाल से निकलकर नीचे लटकती हैं और धीरे धीरे जमीन तक पहुंच जाती हैं। मोटी होकर दूसरा तना बन जाती हैं। इस तने का क्या काम होता है जानते हो? ये तना लंबी और मोटी डाली को गिरने से रोकता है, उसके वजन को संभालता है। इस तरह डाली आगे बढ़ती चली जाती है, जमीन पर गिरती नहीं। बहुत पुराने बरगद के नीचे बहुत तने हो जाते हैं, बरगद की छाया बहुत घनी होती है, इसके नीचे लोग आराम करते हैं, बरगद पर पक्षी बैठते हैं। उसका फल खाते हैं और हरियल तोता बरगद पर ही रहता है। बरगद से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकलता है। बरगद अच्छा पेड़ है भाई, अरे बरगद अच्छा पेड़ है भाई, सबने ये आवाज लगाई, इसका तना बहुत है भारी, बोल है पत्ती प्यारी प्यारी, लंबी लंबी इसकी शाखें, बच्चे इसके नीचे भागे। अब ये बात समझ में आई? आई है ना? बरगद अच्छा पेड़ है भाई, हर डाली से चले जटाई, फिर चलकर धरती पर आई, जटा तना फिर बन जाती है, अपनी जगह पर तन जाती है। कितनी अच्छी बात बताई, क्यों बताई है ना? बरगद अच्छा पेड़ है भाई, लाल लाल सा फल है इसका, आकर खाए मन हो जिसका, फल खाने चिड़िया आती है, चू चू करके गाती है, देती है आवाज सुनाई। बरगद अच्छा पेड़ है भाई, अरे बरगद अच्छा पेड़ है भाई,
हाँ हाँ बरगद अच्छा पेड़ है भाई, बरगद अच्छा पेड़ है भाई। देती है आवाज सुनाई, पीपल का भी पेड़ है भाई। हाँ बच्चों, बबूल और बरगद की बात तो हमने कर ली, अब पीपल के बारे में भी कुछ बात कर ले। तुम जानते हो ना इसकी पूजा की जाती है। जिस पेड़ को लोग पूजते हैं उसे हम भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? पीपल का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। इसका पत्ता पान के पत्ते की तरह होता है। तुम अपने हाथ से पीपल के पत्ते की शक्ल बना सकते हो। तुमसे ना बने तो तुम्हारे गुरुजी तुम्हें बनाकर दिखाएंगे पीपल के पत्ते की शक्ल। पीपल का पत्ता बड़ा चिकना चिकना, सुंदर सुंदर और हल्का हल्का होता है। जरा भी हवा चले तो हिलता है। पत्ता तोड़ो तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है। पीपल की शाखें लंबी लंबी होती हैं और फल छोटा छोटा मीठा मीठा होता है। इसको चिड़ियां खाती हैं। चिड़ियां इस पर बसेरा करती हैं। इसकी छाल चिकनी होती है। बच्चों, आज हमने तुम्हें बताया तीन पेड़ों के बारे में। किस किस पेड़ के बारे में बताया? बबूल, बरगद और पीपल। अच्छा, अब एक सवाल और बताओ। पान के पत्तों की सूरत से इसके पत्ते मिलते हैं। हल्की हवा चले कितनी भी सारे पत्ते हिलते हैं। इसकी पूजा भी होती है। इसकी पूजा भी होती है। इसकी छाया शीतल है। शाबाश, ये है पीपल। अब पीपल, बरगद और बबूल के पेड़ों की पहचान तो तुम्हें हो गई। आज स्कूल से जाकर अपने गांव में ढूंढना, कहां-कहां पीपल का पेड़ है, कहां बरगद है और कहां बबूल।